गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हिना शेख मैथ्स की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, पिछली कक्षा में हम लोगों ने अध्याय वन शुरू किया था जिसका नाम है संख्याएं। उसमें हमने किया था कि किस प्रकार से हम 5 अंकों तक की संख्याओं को बना सकते हैं, उसको हमने प्रतीक चित्रों के माध्यम से खेल विधि से समझा था। आज बच्चों हम करने जा रहे हैं गणना करना में कि किस प्रकार से हम संख्याओं के विस्तारित रूप को लिख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। बच्चों, विस्तारित रूप यानी कि एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है? विस्तारित रूप वह रूप है जिसमें संख्या को दोहराए जाने का एक तरीका होता है। इसमें हम क्या करते हैं कि संख्या को अलग अलग पहले अंकों में तोड़ देते हैं, उसके बाद वही अंक अपनी स्थिति को दर्शाता है। विस्तारित रूप एक संख्या को फिर से दोहराए यानी कि रिपीटेशन जाने का एक तरीका है जिसमें संख्या को अलग अलग अंकों में तोड़ दिया जाता है और प्रत्येक अंक अपनी स्थिति को दर्शाता है। चलिए समझते हैं इसको एक टेबल के माध्यम से। इसमें बच्चों 5 अंकों की एक संख्या है। इस संख्या में हमने अंकों को इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार और 10,000 वाले घर में भेज दिया है या तोड़ दिया है। अब इन अंकों को देखते हैं कि ये अंक किस प्रकार से अपनी स्थिति दर्शाते हैं जो हम विस्तारित रूप में लिख पाते हैं। सबसे पहले अगर मैं बाईं ओर से शुरू करूं तो अंक 2 है। 2 अंक के पीछे कितने अंक है बच्चों? 4। तो मैंने यहाँ 4 0 लगा दिए। अंक 3 लिया, उसके पीछे कितने अंक है बच्चों? 3। तो मैंने 3 0 लगा दिए। अंक 1 लिया, उसके पीछे कितने अंक है? 2। तो मैंने यहाँ 2 अंक लगा दिए। अब मैं यहाँ से दहाई से 2 अंक लेती हूँ तो उसके पीछे कितना है? केवल 1 अंक है, तो मैंने 1 0 लगा दिया। और लास्ट में इकाई की जगह पे है अंक 2, तो मैंने यहाँ 2 लिख दिया। इसके बाद में बच्चों और कोई भी अंक नहीं है, इकाई का अंक लास्ट है, तो मैंने यहाँ पर सिर्फ 2 लिख दिया। आइए देखते हैं अगली संख्या, ये है 8 0 2 6 8। अब बच्चों इनको इनके घरों में भेज के देखते हैं। 8 इकाई पे, दहाई पे 6, 2 है सैकड़ा पर, 0 है हज़ार पे और 10,000 पे है 8। ठीक है बच्चों, अगर मैं उधर बाईं ओर से शुरू करती हूँ तो 8 के पीछे कितने अंक है? 4 अंक, तो मैंने यहाँ 4 0 लगा दिए। ये मैंने यहाँ 1 0 लिख दिया। 0 के साथ बच्चों में 3 अंक है। अगर मैं यहाँ 3 0 भी लगाती हूँ तो उसकी वैल्यू 0 ही रहेगी, जैसा कि हम पिछली कक्षा में सीख चुके हैं। उसके बाद है 2 अंक, 2 के बाद कितने अंक है? 2, तो ये मैंने 2 0 लगा दिए। फिर है 6 के बाद केवल 1 अंक दे रखा है, ये है 8। तो बच्चों ये हो गया 8 0 2 6 8 का विस्तारित रूप। अगला नंबर है 5 1 5 4 7। अब इसको लिखते हैं बच्चों, 7 इकाई पे, दहाई पे 4, सैकड़ा पे 5, हज़ार पे 1, 10,000 पे 5। आइए शुरू करते हैं। 5 के पीछे 4 अंक है, तो मैंने 4 0। 1 के पीछे 3 अंक है, तो मैंने 3 0 लगा दिए। फिर आ गया 5, उसके पीछे बच्चों कितने अंक है? 2 अंक है, तो मैंने 2 0 लगा दिए। फिर आया 4, 4 के पीछे बच्चों कितने अंक है? 1, तो मैंने 1 0। फिर 7, 7 के पीछे कोई अंक नहीं है, तो 7 अकेले लगा दिया। नेक्स्ट नंबर है बच्चों 8 2 7 5 6। 6 5 7 2 8, अंक 8 लिया, उसके पीछे 4 0, 2 अंक लिया, उसके पीछे 3 0, 7 लिया, उसके पीछे 2 0, 5 उसके पीछे 1 0 और 6 अकेला। जो इकाई का अंक है उसके पीछे कोई अंक नहीं दे रखा होता तो वो अकेला आता है। अगला नंबर है बच्चों 9 1 8 6 0, इकाई पे 0, दहाई पे 6, सैकड़ा में 8, हज़ार पे 1 और 9। 9 1 2 3 4। फिर बच्चों लिया 1, 1 के बाद कितने अंक है? 3,
तो मैंने यहाँ पे 3 जीरो, फिर 8 के बाद 2 तो मैंने 2 जीरो लगा दिए, 6 के बाद 8 उसके बाद 0। लेते हैं नेक्स्ट नंबर 0005 या 5000। अब मैंने यहाँ लिख दिया 0000 और 5। मैं यहाँ अगर इनका विस्तारित रूप लिखती हूँ तो 5 के बाद 4 अंक है तो मैंने 4 जीरो, उसके बाद 0 है, फिर सेकंड 0, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। ये देखिए बच्चों 4 जीरो है, 1 2 3 4, तो मैंने यहाँ 4 जीरो, 1 2 3 4, ये 4 जीरो लिख दिए। ठीक है बच्चों, ये हुई आज की हमारी क्लास जिसमें हमने समझा कि किस प्रकार से संख्याओं का विस्तारित रूप हम लिख सकते हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। बच्चों अब आपको भी घर पे इसका अभ्यास करना है कि किस प्रकार से हम विस्तारित रूप को लिख सकते हैं। जितना आप अभ्यास करेंगे उतना ही आपको मज़ा आएगा और आप सीखेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में जिसमें हम करेंगे किस प्रकार हम अलग अलग उनकी स्थिति बदलकर संख्याओं को बना सकते हैं। धन्यवाद।